नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। टॉपिक ये है कि वाइट कोरल के बारे में कुछ बताइए। रजस्मिता साहू जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि कुछ बताएं वाइट कोरल के बारे में। रेड कोरल के बारे में हमने विगत वीडियो में चर्चा की, बगलामुखी देवी के बारे में बात की, मंगल ग्रह को शांत करने के बारे में बात की। आज हम ये बात करने चले हैं कि सफेद मूंगा, इसके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग। यदि आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा समझने के लिए कि सफेद मूंगा का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है। मैं रेड मूंगा के बारे में तो बहुत बात कर चुका हूं कि ये प्लास्टिक के काफी सारे मिलते हैं, महंगे होते हैं, तो इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि ये प्लास्टिक का तो नहीं है। असली मूंगा, सफेद मूंगा मिलता है तो पहनना चाहिए। स्पेशली उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है जिसका मंगल ग्रह जो है कन्या राशि में हो, आप पहन सकते हैं ये मूंगा, सफेद मूंगा। सफेद मूंगा और मोती, ये एक अजीब टाइप का कॉम्बिनेशन है। मैं हरदम मना करता हूं कि रेड कोरल और मोती कभी मत पहनना, लेकिन सफेद कोरल के साथ में आप मोती धारण कर सकते हैं। साथ मोती की जरूरत ना पड़े, सफेद कोरल ही आपको मदद कर सकता है ज्ञान की, प्रज्ञा की। जिसको जरूरत है, जिसको निर्मल भाव की जरूरत है, जो स्थिति प्रज्ञ होना चाहता है और अपने ज्ञान की गरिमा में अपने आप को अवस्थित करना चाहता है, अंदर उजाला चाहता है, ऐसे व्यक्ति को सफेद मूंगा यदि सही ढंग का मिल जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात होता है, एबॉर्शंस हो जाते हैं, ये बड़ा काम का चीज है। कैसे, क्या होता है इससे? इसको नाभि के नीचे कमर के चारों तरफ बांध लें, मतलब जैसे गर्भाधान होता है उसके बाद करीबन 3 महीने बाद इसको बांध के रखें, गर्भपात होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये इस प्रकार से काम करता है ये। आइए और जानते हैं इसके बारे में क्या क्या काम करता है ये सफेद मूंगा। सफेद मूंगा को लोग जोड़ते हैं यूरानस से। यूरानस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का ग्रहों की बातें हैं, हम नवग्रह की बात करते हैं, हम नहीं बात करते यूरानस की बातें। मैं तो ये कहता हूं कि मंगल ग्रह से जोड़ना चाहिए इसको। मंगल को शांत करना हो तो रेड कोरल के जगह में व्हाइट कोरल पहने आप, लाल कोरल मत पहने, व्हाइट कोरल पहने, तो ये आपको एक्सप्रेस करने के लिए मदद करता है, क्लैरिटी आपके वॉइस में क्लैरिटी लाने के लिए मदद करता है। तो इस प्रकार से ये मदद कर सकता है आपको कम्युनिकेशन के फील्ड में। जिन लोगों को आत्मविश्वास की कमी हो, जिन लोग थोड़ा एंग्जाइटी में ग्रसित हो, एंग्जाइटी न्यूरोसिस, डिप्रेशन का शिकार हो, इनको भी ये सफेद मूंगा मदद करता हुआ देखा गया है। किस में पहनना चाहिए? ये वाली जो उंगली आपका है, जहां सूर्य के लिए, माणिक के लिए पहनते हैं या लाल मूंगा के लिए पहनते हैं, इसी उंगली में धारण कर सकते हैं। मंगलवार को सूर्य उदय के बाद में शुक्ल पक्ष में इसको पहनना चाहिए। सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर पहन लेना चाहिए इसको, और शुक्ल पक्ष में पहने या कृष्ण पक्ष को अवॉइड कीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्या क्या फायदा हो सकते हैं व्हाइट कोरल पहनने का? एक तो है कि आपको यह देता है साहस, क्लैरिटी के साथ देता है साहस। ऐसा नहीं कि एग्रेशन इन अ नेगेटिव वे, एग्रेशन इन पॉजिटिव वे। जैसे नेगेटिव वे में एग्रेशन कैसे हुआ कि कोई चोर है, कोई डकायत है, कोई टेररिस्ट है, ये होगा नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन। आप मिलिट्री कमांडर हैं, आप पुलिस फोर्स में हैं, तो आप यदि व्हाइट कलर का कोरल पहनेंगे तो आपको फायदा होगा, क्लैरिटी आता है थॉट में। जब आपको लेजीनेस काफी है तो भी मदद करता है ना कंट्रोल्ड वे। रेड कोरल में क्या है कि लेजीनेस हो तो ये कुछ कभी कभी ज्यादा ही बढ़ा देता है, एग्रेशन को बढ़ा देता है, ज्यादा ही कुछ एनर्जी बिल्डअप कर लेता है बहुत जल्दी, तो सफेद पुखराज में ये खतरा आपको नहीं रहता है। यदि हमें डिप्रेशन हो, कंफ्यूजन हो, इसमें भी आपकी मदद करता है। ये भी कहा गया है कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत काम करता है, और ये भी देखा गया है कि ये आपको हेडेक हो, ब्रेन ट्यूमर हो, कहा जाता है, ऐसे कुछ लोगों को फायदा भी हुआ होगा तभी तो कहा जाता है कि मस्तिष्क संबंधी जो कोई प्रॉब्लम होता है, मेंटल इश्यूज होता है, उसमें भी ये सफेद कोरल मदद करता हुआ पाया गया है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, मंगल खराब है,
तो लाल मूंगा तो पहनने को मना कर दिया मैंने आपको, सफेद मूंगा पहन सकते हैं आप। मांगल्य का दोष है तो गलती से लाल मूंगा मत पहन लेना, सफेद मूंगा पहनिए, मांगल्य दोष से मुक्ति मिलने में आपको मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की कि लाल मूंगा की जगह सफेद मूंगा किस प्रकार से आपको फायदा कर सकता है। लाल मूंगा तो मैंने कहा कि सोच समझ के पहनना चाहिए, सफेद मूंगा पहनने से मैं जो बताई आपको, सेल्फ एक्सप्रेशन, गुस्से को शांत करना, मानव दोष से मुक्ति पाना, ब्रेन में कुछ इशू हो उससे मुक्ति पाना, डिप्रेशन से मुक्ति पाना, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ये सभी चीजों में मदद करता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताई आपको कि एवर्सोंस बार बार होते हो, मंगल के कारण होता हो ऐसा, तो आप सफेद मूंगा पहनेंगे, जैसे बताया कि कमर में उसको बांध दिया जाए 90 डेज के बाद में, बांधे रखिए, जो प्रॉब्लम होती है गर्भपात होने की उसमें आपको मदद मिल सकती है, ऐसी मान्यता है। तो आप परीक्षा करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई सवाल है ऐसे, जैसे रजेश साहू ने अभी पूछा, ऐसे अब आपके पास कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका पूरा नाम लिखिए, आप कहाँ से हैं। रजस्मिता साहू आपने नाम लिखा, नाम तो लिखा हुआ है, कहाँ से हैं आप लिखती नहीं है, और आपने ये भी लिखा नहीं कि आप क्या करती हैं, थोड़ी सी जानकारी अच्छा रहता है बताने के लिए। तो अगले वीडियो में और कुछ नए सवाल लेके हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आप जरूर लिखिए, कमेंट कीजिएगा और सवाल पूछिएगा, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, कमांडर संतोष शर्मा बैंगलोर से, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।